कुमार साहब, मैं अंदर आ जाऊं? क्या बात है, इतनी रात में क्या तकलीफ है? वजन कम हो गया, तुम फिर टेढ़ी हो गई कुमार साहब। लगता है तेरी दुम को अब काटना ही पड़ेगा। तू बहुत ब्लैकमेल कर चुका है मुझको दारा, मैं पहले ही तुझे काफी पैसे दे चुका हूं, अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुझे। फूटी कौड़ी लेगा भी कौन कुमार साहब, मुझे तो हरे हरे करारे पत्तों की जरूरत है, ज्यादा नहीं, ओनली 50,000, सिर्फ 50,000 रुपये। 50,000? तेरे ये ड्रामे में बहुत रह चुका, दिमाग खराब हो गया तेरा? शुक्र कीजिए दिमाग ठीक है, जिस दिन खराब हो गया उस दिन पहुंच जाऊंगा सीधा पुलिस स्टेशन, और उसके बाद आपके ये शान और शौकत, गाड़ी, बंगला, सबके सब यहां पर रह जाएंगे, और आप हो जाएंगे अंदर वो 10x10 के मच्छरों वाले अंधेरे कमरे में, समझे कुमार बाबू? राम ज्यादा मेरा राज जानता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरा हाथ बनवाने को तेरे तल में चाटू। मैंने रॉबर्ट को मुझे पकड़ लिया, समझा? और इस जुर्म पर पर्दा डालने के लिए कुछ और कर सकता, तुझे बदलने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। तुमने लगता है मैंने सब कुछ सुन लिया, अब तुम नहीं कह दिख रहे, जा पकड़ उसे, अगर उसने किसी से कुछ कह दिया तो हम समझ ना हो जाएंगे। या भाव वो शिट, हो गया। क्या हुआ? मारिया मेरे हाथ से निकल गई। क्या? रास्ते में उसे इंस्पेक्टर मिल गया, लगता है उसने उसे सब कुछ बता दिया। अब वो इंस्पेक्टर यही आपका होगा।
ये लाश कहां गायब हो गई? नहीं, कुमार नहीं मर सकता, ऐसा नहीं हो सकता, कुमार नहीं मर सकता, इस वक्त जैसा नहीं मर सकता। वो मर चुका है, मेरी आंखों के सामने उस शख्स ने कुमार का गला घोटकर उसे मार डाला। वो और कोई नहीं हो सकता, वो अंकल गोम्स की जिंदा लाश ही होगी, उसी ने कुमार को मार डाला। अब अंकल गोम्स मुझे भी मार डालेंगे, वो मुझे भी मार डालेंगे, वो मुझे भी मार डालेंगे। क्यों मार डालेंगे? क्योंकि तुम लोगों ने उनका कत्ल किया? नहीं। दौलत की लालच में तुमने और कुमार ने मिलकर उन्हें रास्ते से हटा दिया। नहीं, ये झूठ है, ये सच है। इसीलिए गोम्स का खौफ तुम पर तारी हो गया, इसीलिए दिन रात तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें मार डालेगा, इसीलिए तुम्हारा सुख चैन खत्म हो गया। बोलो क्या ये झूठ है? हाँ हाँ, ये सच है। हम दोनों ने ही मिलकर अंकल गोम्स को मारा है और उनकी लाश को फांसी पे लटका दिया। वो शैतान इसी के लायक था, उसकी यही सजा थी। क्यों, ऐसी क्या बात थी जो तुमने उसका कत्ल कर दिया? अंकल गोम्स एक नंबर के शराबी थे। एक रात शराब के नशे में उन्होंने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की, ये बात कुमार बर्दाश्त न कर सका और तुम दोनों ने मिलकर उनका काम तमाम कर दिया। तुम लोगों ने सोचा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसलिए गोम्स को मारकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए मर्डर को आत्महत्या की शक्ल दी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उस तूफानी रात अंकल गोम्स शराब के नशे में चूर थे। मैं अपने कमरे में सो रही थी और वो लड़खड़ाते हुए मेरी कमरे की तरफ पड़े। Thank you.
कुछ बात समझ में आई? कहते हैं कि जब तक आदमी शराब को पीता है वो इंसान रहता है, लेकिन जब शराब आदमी को पीने लगती है तो वो जानवर बन जाता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दुनिया की नजरों में धूल झोंकने के लिए मुझे बेटी बनाकर रखा और मुझ पर ही बुरी नजर डाली, तेरी यही सजा है। अब अंकल गोम्स की लाश मुझे भी मार डालेगी। यह तुम्हारा वहम है। यह काम किसी इंसान का है जो गोम्स का भेष बदलकर दहशत फैला रहा है। वो मेरी बंदूक की गोली से घायल हो चुका है। अब वो खाओ ही उसे कानून की गिरफ्त में। इंस्पेक्टर बलदेव को इन्फॉर्म कर मैं इसका पीछा करती हूँ।